दादा को गोली मारकर हत्या करने वाला एक पोता सहित दो गिरफ्तार। महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र ग्राम सुरपार गुबरैया में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपितों में से एक पोता तो को गिरफ्तार कर लिया गया, वहीं उसका साथ देने वाला एक अन्य युवक भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी पोता फरार चल रहा है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि थाना पुरंदरपुर क्षेत्र के ग्राम सुरपार टोला गुबरैया में बीते बुधवार को शाम संपत्ति के विवाद को लेकर लाल सहानी पुत्र काशी निवासी महदैया टोला बगही डीहा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को उनके दो पोतों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक की लड़की मीरा देवी निवासी सुरपार की लिखित तहरीर के आधार पर दीपक पुत्र दयाशंकर व प्रदीप पुत्र शिवशंकर निवासी बगही डीहा थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश की जा रही थी। इसी बीच मिशहूर की सूचना पर दीपक पुत्र दयाशंकर निवासी महदैया जिला सिद्धार्थनगर व पवन कुमार पुत्र राम केदार निवासी बारीकला थाना कन्ही हनुमानगंज जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं प्रदीप पुत्र शिवशंकर अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपियों के पास से दो मोबाइल, एक 9 mm पिस्टल, 40,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। पुरंदरपुर अंतर्गत 65 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति को उनके ही दोनों पोतों द्वारा फायर आर्म से इंजरी करते हुए उनको घायल किया गया था, जिनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस क्रम में दो थानों की टीम और SOG और SWAT की टीमों द्वारा लगातार तेजी से कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है क्रमशः दीपक पुत्र दयाशंकर, जो मृतक के पोते लगे उनके दूसरे बेटे के तीसरी पत्नी के सुपुत्र हैं ये, और साथ में इन्होंने बाहर से दो लोगों को और इस घटना को कारित करने हेतु बुलवाया था, जो मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम भवन कुमार पुत्र राम केदार है, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक 9 mm की पिस्टल ये बरामद की गई है। घटना में इन्होंने जो पैसे का लेन देन किया है उसके 40,000 रुपये और साथ ही दीपक की एक मोटरसाइकिल है पल्सर, ये बरामद की गई है, तथा इन दोनों के पास से दो मोबाइल फ़ोन ये बरामद किए गए हैं, और जो इसमें शेष अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार पुलिस प्रयासरत है। इसमें थाने की टीम द्वारा बड़ी त्वरित और अच्छी कार्रवाई की गई है, ये सराहनीय है, और इसके लिए टीम को 15,000 रुपये का जनपद स्तर से इनाम भी दिया जा रहा है। अन्य जो शेष अभियुक्तगण अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं उनके पीछे टीमें लगी हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार किया।